आज मैं जिस प्लांट के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन इंडोर प्लांट है और आप लोगों ने बहुत घरों में उसे देखा भी होगा। बहुत लोगों को उसका नाम भी पता होता है। जो चीज़ नहीं पता वो ये है कि वो वर्ल्ड का मोस्ट कलरफुल श्रब है। ये है क्रोटन। क्रोटन जो है नॉन फ्लावरिंग प्लांट होने के बावजूद भी बहुत ही कलरफुल प्लांट है और ये इंडिया और मलेशिया का नेटिव प्लांट है। इसमें बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, करीब 100 से भी ज़्यादा वैरायटीज आती हैं और दो चार मेरे पास भी हैं, तो कुछ वैरायटीज़ के नाम मैं इसमें बताऊँगी आपको। इसमें आती है रेड आइस्टन, पेट्रोक्रोटन, सनी स्टार, बनाना क्रोटन, जेंजीबार, विक्टोरिया गोल्ड बेल और गोल्ड डस्ट। ये कुछ मैंने आपको बताई हैं। क्या इनमें से आपके पास कोई लगी हुई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। इसकी लीव्स जो है वो बहुत ही अलग अलग शेप और साइजेस में आती हैं। जैसे कि ये वाली जो है इसकी देखिए ग्रीन कलर के ऊपर येलो कलर के डॉट्स हैं, उसकी शेप बिल्कुल अलग है। और ये भी ग्रीन के ऊपर येलो डॉट्स हैं, पर इसकी शेप और दोनों की शेप में कितना डिफरेंस है। और एक ये है जो प्योर ग्रीन कलर की है पर इसके अंदर साथ में दूसरे रंग की पत्तियां भी उसी प्लांट में हैं। ये वाला प्लांट जो है ये रेड कलर वाला, इसको आप टच करेंगे अगर आपके यहाँ लगा हुआ है तो आप देखिए इसे टच करके इसकी जो पत्ती है वो लेदरी फील करवाती है। एक तो थिक तो है ही है और साथ में इसमें लेदरी लुक भी, इसमें लुक वाइज भी है और टच करने में भी इसको लेदरी फील आता है। इसकी पत्तियां जो हैं बहुत सारे कलर्स में आती हैं, जैसे रेड है, येलो, ग्रीन, ये तो तीन शेड आपको इन्हीं प्लांट्स में, मेरे प्लांट्स में ही दिख रहे हैं। इसके अलावा ब्राउन में, कॉपर, ऑरेंज और पिंक शेड में भी इसकी पत्तियां आती हैं। इस प्लांट की जो कलर जो है वो पूरी लीव्स पर फैला हुआ होता है, इसी वजह से ये प्लांट देखने में बहुत ही प्लीजिंग लगता है। ये जैसे जैसे इस प्लांट की एज बढ़ती जाती है, जैसे कि काफ़ी सालों पुराना हो जाता है, तो इसकी जो प्लांट के जो लीव्स का जो कलर है वो डार्क होता चला जाएगा और करीब करीब ब्लैकिश सा कलर हो जाता है। इंडोर प्लांट है, इजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस वाला है। अगर आपने इस प्लांट को बाहर लगाया हुआ है आउटडोर में तो इसकी हाइट जो है करीब 20 फीट तक हो जाती है। अगर आपने अंदर लगाया हुआ है तो उस पर डस्ट और थोड़े बहुत कीड़े वगैरह हो जाते हैं, जिसको आप एक स्पॉन्ज गीला करके उससे आप उसे साफ कर लीजिए तो उसकी जो पत्तियों में जो शाइन है वो बहुत ही ज़्यादा होने लग जाएगी। और एक चीज़ ये कि अगर आप इसे अपने इंडोर रूम में रखेंगे तो इसका जो रूम का जो आपका लुक है वो तो सुंदर लगेगा ही लगेगा, साथ में आपका रूम जो है वो ब्राइटन लगेगा बिल्कुल। क्रोटन से रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट करें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बारे में और जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगी। तब तक आप अपना और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।